आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज होली का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है और मैं हाथ में मोबाइल ली हूँ, क्योंकि दूध उफन के बह जाएगा। ये देखिए भगोने में, तो मैंने ध्यान इस चीज़ का नहीं दिया, हालांकि दे रही थी। और उसके बाद मतलब जैसे ही बाहर गई वैसे ही दूध ये उफनना शुरू हो गया। मैंने गैस का फ्लेम हाई किया था इसलिए कि ताकि जल्दी से पक जाए। बाहर मोटर चल रही पानी वाली, तो थोड़ा सा आवाज़ होगा, आप लोग इरिटेट होंगे उससे। और मैंने यहाँ पे देखो दूध बॉयल कर लिया इस साइड में, और इस साइड में हमने चावल चढ़ा दिए इस भगोने में हमने दाल चढ़ाया। तो इसका ढक्कन जो है नहीं मिल रहा है, मिल इसलिए नहीं रहा है कि कल ढेर सारा बर्तन हो गया था। तो ज्योति यहाँ पे क्या हुआ, उनको पनीर नहीं पिलाया, कहते थे पानी पी लेते गुजिए जी। सठौरा किस बात का, कुछ हुआ होगा किसी, दादा बन गए। अच्छा ये जो यहाँ वाली जो बहू थी उनकी ना, यहाँ वाली कौन बहू थी, वही जो उनके जठाने के लड़के का, इनके भाभी के लड़के का लड़का हुआ। तो सठौरा आया है, उसी को बता रही है श्रेया। तो बताएं यहाँ पे ढेर सारा बर्तन रखा है, और बर्तन में क्या है कि ये बर्तन में ढेर सारा लटना पड़ना है, तब जाके हमको दाल और चावल के जो है ढक्कन मिलेंगे। तो मैं देख लेती हूँ उसको पहले, बिना देखे तो मिलेंगे नहीं, हमें तो देखना पड़ेगा ही। कल एक्चुअली क्या था ना कि कल होली थी और बर्तन बहुत ज़्यादा फैल गए थे, और जबकि इतना समेट रहे थे तब कंजूसी करते करते इतना बर्तन, और यहाँ पे दो कढ़ाई एक तवा तो शाम का था, तो कढ़ाई तो अभी थी। तो फाइनली मैंने ये बड़ा वाला ढक्कन लिया है और छोटा वाला नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर चावल में लगा दिया है। इस साइड मैंने रख दिया है दाल, ये देखिए दाल उफनने वाली है। और यही रीज़न है जो मैं कुकर में दाल चावल नहीं पका रही हूँ, क्योंकि देखिए इसका जो झाग है वो निकलना शुरू हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसी तरह मैं करूँ और जो झाग है उसको निकालूँ करते करते यार। और हाँ, मुझे याद आया ना कि पुदीना तो नहीं ले आई हूँ, बट आम है, आम की चटनी बनाऊँगी। दूध को इस साइड में हटा दो, बीच में है ना, तो दूध को मैं इस साइड में हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे दाल जो है मैं जिक्र अक्सर कर रही हूँ, आप लोग भी बनाइए इस तरह से, अगर आप लोग चाहते हो तो, आप अपने स्वाद को चाहते हो कि अच्छा रहे तो इस तरह से करिए। देखिए यहाँ पे, देखिए सिंक पे देख रहे हैं, ये देखिए इतना झाग निकला है। और
खुले में पकाने से। तो मैंने यहाँ पे छाग जो है निकाल दिया है, और टेस्ट भी आता है दाल की, दाल की जो टेस्ट है ना वो भी है अच्छा यार। बिना प्लेट के एक ढक्कन भी नहीं रख सकते हैं। मेरी आदत है ना, मैं यहाँ पे पलटा वगैरह नहीं रखती हूँ। अब देखिए इसके लिए मुझे फिर से देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेट, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये पकेंगे तब तक हम, मैंने हाथ से टच किया और उसको मुझे जला दिया यार, क्यों कुकर में नहीं पका रही हूँ दाल। हाँ तो मैंने ये, मेरा सर भारी हो जाता है यार, पता नहीं क्यों। और इतना मैंने रखा है भगवान जी का कपड़ा, एक ही मैं आपको और दिखाती हूँ, वो है दाल। ये है मूंग की दाल, इसी में, और मुझे उड़द की दाल चाहिए। ये है चीनी, ये कली है, हमारा मन कर रहा है कि हम लोग करें पार्टी। क्या हुआ हाँ? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अरे टूट जाएगा भैया। ये देखिए, खुले दाल में पकाने में फ़ायदा भी है नुकसान भी है, बट यही है कि आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दाल जो है, फ़ायदे ज़्यादा है नुकसान तो हर चीज़ में है। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी, दाल जैसे थोड़ा सा ना कुछ देर उफनता है, बताया कोई चीज़ गिरता है ना तो ऐसा लगता है कि जी डर जाता है कि क्या हुआ। तो मैं भाग के भूल गई, और ये है दाल उड़द की, उड़द की दाल है, मैं सोच रही हूँ भिगोने के लिए। और मैं इसमें थोड़ा सा चने की दाल मिलाऊंगी। अब ये देखिए चावल की बारी है यार, मैं हटा लेती हूँ, मैं जल जल हाथ मेरा जलने लगता है। अब मैं इसका भी झाग निकालूंगी, ये देखिए। इसका भी मेरा जो है झाग निकलेगा, पहले इसको माड़ी जो है, माड़ी को उसको खिलाते हैं ना, तो मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी तभी आराम से पकेगा। माड़ी उसको खिलाते हैं थे ना नाग देवता, खिलाते नहीं थे, पिलाते थे। तो मैंने लिया एक पलटा छोटा सा, और इस चावल को मैं बराबर से चला दूंगी, और अब फिर से मैं इसे ढक दूंगी। तो मैंने यहाँ फाइनली दाल को भी ढक दिया है, चावल को भी ढक दिया है। एक पल में जी डर गिर जाता है, और हाथ दो बार मैंने जली, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ चने की दाल। मेरा मन है दही बड़ा बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा चने का दाल लिया है। ये देखिए इतना चने की दाल ली हूँ, इतना है उड़द की दाल। उड़द की दाल तो मैं इसी कढ़ाई में भिगोऊंगी, ये मेरी स्टील वाली कढ़ाई जो है ना, इसमें मैं इसका कढ़ी बनाई थी, ये आया था ना उड़द की दाल जो है पिसा हुआ, तो मैं इसको ना आधा रख लूंगी, कढ़ी रात में बनाऊंगी, आधा का मैं बनाऊंगी वो।
वो क्या बोलते हैं दही बड़ा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा चने की दाल और ये है मेरा उड़द की दाल। तो इस दाल को मैं भिगो के पीस के इसको मैं रखूँगी आधा, उसके लिए आधा मैं बनाऊँगी कढ़ी शाम को। तो पहले तो इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँ, वॉश करने के बाद ही भिगोंगी। और मैं इसको बनाने जा रही हूँ शाम को, अभी तो सुबह में मतलब भिगो रही हूँ, कभी तो फूलेगा ही नहीं, शाम को बनाऊँगी तो ठीक रहेगा। एक दो पानी में इसको धुल दूँ पहले। काफ़ी दिन से ये चने के दाल, उड़द के दाल रखे हुए थे, हमारे यहाँ चने का दाल धुल गया है। अब ये थोड़ा चूड़ा है ना, तो इसको हम मतलब इसका पानी नहीं गिरा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन एक दो बार कोशिश करेंगे इसका पानी गिरा दें। हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। देखिए पिसा हुआ है ना, इसमें ज़्यादा जो विटामिन है इसका जा रहा है बाहर। तो मैंने इसमें इतना पानी रख दिया है उड़द की दाल में, और ये दोनों को हम ढक देने वाले हैं आंगन में ले जाके, या फिर यहीं रख दे किचन में ही। हाँ, तो मैंने यहाँ पे नीचे किचन में यहाँ उसको रख दिया है और दाल और वो पक रहा है, तो मैं आटा तैयार कर लूँगी। अब फिर मुझे एक ढक्कन की ज़रूरत है। एक ढक्कन की ज़रूरत है, बर्तन मैंने खड़े खड़े कर रही हूँ, बट इसी से काम चलाऊँगी छन्नी से। तो मैंने इसको यहाँ पे ढका, ये मेरा हो गया, मतलब अभी सुबह का खाना बना रही हूँ, रात के डिनर का प्रोग्राम भी बना रही हूँ कि क्या मुझे बनाना है, मतलब प्लान। और हो गया, और दाल यहाँ पे पक रही है। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिए इस तरह से, कुकर में पकाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुकर में खाना बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है सेहत के लिए। तो मेरा चावल फाइनली पक गया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।